जय हिंद बच्चों, एसकेके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमारे पास एक बच्चे ने फोन किया कि सर, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर बताएं। तो बच्चों, मैं यहां पर बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर बमुश्किल चार लाइन का है, लेकिन उस चार लाइन को समझने के लिए हमें कुछ डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। उस डायग्राम को अगर शुरू से अंत तक आप देख लेंगे तो फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायग्राम को समझने के बाद इस प्रश्न का आंसर आंख मूंद कर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस डायग्राम की ओर। एक हम टब बनाते हैं, ये हमारा टब बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें मछली रखते हैं और फिर इसको पानी से भर देते हैं। देखिए, तो एक तरह से मछली क्या है, जलीय जीव है, जलीय जीव। मछली जल में रहती है और अपना जीवन यापन जल में ही करती है, इसीलिए इसे जलीय जीव कहा गया है। अब हम एक स्थलीय जीव की संरचना बनाते हैं। यहाँ पर है एक, मान लीजिए कोई पक्षी है, यह है हमारा स्थलीय जीव। स्थलीय जीव ये हो गया मछली जलीय जीव, और यहां पर ये पक्षी है, ये स्थलीय जीव हो गया। हम लोग भी स्थलीय जीव में आते हैं, लेकिन हम इस चिड़िया के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए स्थलीय जीव ज्यादा उपयोगी है कि जलीय जीव। तो यहां पर देखेंगे जो जलीय जीव होता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। और किससे करता है, वह है मछलियां गिल के माध्यम से या क्लोमों के माध्यम से। किसके माध्यम से, गिल के माध्यम से जिसे क्लोम भी कहा जाता है। अब देखेंगे यहां पर ये पक्षी जो स्थलीय जीव है वो श्वसन क्रिया फेफड़ों से करते हैं। इनका जो मुख्य अंग होता है श्वसन का होता है फेफड़ा, फेफड़ों से। ठीक, नाक से ऑक्सीजन जाती है, लेकिन जो हमारा जो मुख्य रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन सिस्टम है वो फेफड़ा होता है। तो फेफड़ों से करते हैं, यानी कि नाक से और फेफड़ों से। और ये कहां से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में, गैस के रूप में।
अब यहां पर आप देखेंगे कि जो जलीय, सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि ऑक्सीजन ये एक प्राणदायक गैस है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर पहुंचती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि शरीर की जैविक क्रियाओं को करने के लिए उत्तरदायी होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं और यहाँ तक कि ऑक्सीजन कमी से मौतें भी हो जाती हैं। अभी आप लोगों ने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से ज्यादातर मौतें हुई हैं। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही आवश्यक गैस है, इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती रहनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे जलीय जीव, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि जलीय जीवों की जो जलीय जीवों का जो पारितंत्र है वो एक सीमित दायरे में होता है। मान लीजिए जैसे ये टब है, यहाँ पर ऑक्सीजन इस घुलित हुई अवस्था में इस टब के जल में है और मछली को वह गलफड़ों के माध्यम से, गिल के माध्यम से यानी क्लोमों के माध्यम से उसके रक्त में प्रवाहित हो रही है, लेकिन जल की मात्रा सीमित होने की वजह से या फिर जल में प्रदूषण कारक वस्तुओं के मिल जाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये जीव क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे मरने लगते हैं। जबकि यहां पर देखेंगे स्थलीय जीव जो है इसका ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये बृहद, हमारा वायुमंडल बहुत बड़ा है तो इसलिए इनको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। तो जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो इनका जीवन यापन अच्छे से चलेगा। किसकी अपेक्षा? जलीय जीवों की अपेक्षा। रही बात अगर जैसे ये जलीय पारितंत्र है, ये छोटे दायरे में होता है, अगर यहां पर अगर कूड़ा कचरा डाल दिया जाए, जल को प्रदूषित कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगती है तो मछलियां मरने लगती हैं। अब मछली पानी के बाहर तो जा नहीं सकती, अगर पानी के बाहर जाएगी तो ये खुद मर जाएगी क्योंकि ये घुली हुई ऑक्सीजन लेने के लिए अनुकूलित होती है, गैस के रूप में ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, तो इसलिए पानी से बाहर आ जाएगा कि वो और जल्दी मर जाएगी। तो इसको पानी में ही रहना है और पानी जब प्रदूषित हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी ज्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन डिमांड की अगर बात की जाए पानी की, तो डीओ की बात की जाए तो 8 mg यानी 8 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है, एक लीटर में यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है घुलित की वो 8 मिलीग्राम होनी चाहिए सामान्य जलीय जीवों को जीने के लिए, लेकिन प्रदूषण के बढ़ जाने से जब 8 से कम होने लगती है, 8 मिलीग्राम से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इनका जीवन प्रभावित होने लगता है। ऐसे में इनके लिए जरूरी है कि 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम जो है ऑक्सीजन ना हो, लेकिन कई बार देखा गया है कि आप पेपर में भी पढ़ते होंगे हर जगह की फला नदियों में ऑक्सीजन कमी से मछलियां मरती जा रही हैं, तो उसका मुख्य कारण यही है कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है जल में 8 मिलीग्राम से घटकर 4 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम तक चली जाती है और जब वह ऑक्सीजन लेवल 2 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो मछलियां मरने लगती हैं। तो इस तरीके से जलीय जीवों के लिए ज्यादा दुर्लभ हो जाता है जिंदगी जीना। अब यहां पर देखेंगे कि ये वायुमंडल से जो स्थलीय जीव वायुमंडल से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वायुमंडल बहुत बृहद होता है इसलिए इनको भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। बच्चों अब हम इस प्रश्न के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए
उपयोग करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन O2 की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। यही कारण है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज्यादा सफल होता है, या यूं कहें ज्यादा लाभप्रद होता है। जब ऑक्सीजन कम मिलती है किसी जीव को तो वह ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए तेजी से श्वसन करता है और उसे बार बार सांस लेनी पड़ती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियों को बार बार ज्यादा तेजी से श्वसन करना पड़ता है, जिससे कि उसकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। जबकि स्थलीय जीव के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल से मिलती रहती है, इसलिए इसमें श्वसन की दर जो होती है धीमी होती है और इसे ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए कम ऊर्जा की खपत होती है। इसीलिए स्थलीय जीव, कह लीजिए कि श्वसन ऑक्सीजन ग्रहण करने की दिशा में स्थलीय जीव जलीय जीवों की अपेक्षा ज्यादा लाभप्रद हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको इस चैनल की हर गतिविधि का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।